मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है और सब नाश्ता करके निकलेंगे। एलोरा गुफा है और भद्र हनुमान जी। डोसा तैयार हो रहा है। प्रवेश कर रहे हैं, पानी की बोतल खरीद ली है। अंदर की क्या स्थिति है वो वहाँ पहुँच के दिखाते हैं आपको। यह देखिए एंट्री गेट है, एलोरा गुफा का एंट्री गेट। यह देखिए एंट्रेंस गेट पे आ गए, यहाँ से अंदर जाएंगे फिर आपको पूरी गुफा दिखाते हैं। यह टिकट ले लिए, दो टिकट ले लिए हैं। इलेक्ट्रिक टिकट है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये मेट्रो रेल की तरह टिकट है या? ये देखो हम लोगों ने अब एंट्री कर ली है, अब हम थोड़ा आगे जाते हैं फिर वहां से आपको दिखाते हैं और चीजें। सागर है तो यार खूबसूरत जगह ये सब, एलोरा की गुफाएं बहुत बढ़िया है ना। ये पुरातत्व में है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक्चुअल हिंदू और बुद्धिज्म और जैन लोगों का, अच्छा तीनों का एक ये संयुक्त तीर्थ स्थल ही कहेंगे इसको। ये प्रांगण पहली गुफा दिख रही है। ये 17 से 34 तक पैदल पथ। ये सामने पहली गुफा, ये इसका प्रांगण। ये देखिए विश्व धरोहर एलोरा की गुफा है। सामने गुफा, ये पूरा प्रांगण। ये देखिए ये पीछे गुफा है, ये यहाँ की मेन गुफा है, 16 नंबर गुफा। ये 16 नंबर गुफा है जो कैलाश मंदिर है, कैलाश गुफा बोलते हैं इसको। यहाँ की दो ही मेन तीन गुफाएं हैं, 10, 11 और 16। ये मुख्य एंट्री गेट है, ये बाहर का नज़ारा है। ये देख थोड़ा सा पत्थर वैसे डैमेज हो गए हैं। हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं फिर देखते हैं। ये देखिए एंट्री है, ये एंट्री हो गई हम लोग। और ये साइड सामने देखिए, ये देखिए ये एंट्री गेट से आए 16
16 नंबर गुफा है, कैलाश गुफा है। ये स्तंभ बना हुआ है। हाथी बनाया गया है। ये गुफाएं एक्चुअल पहाड़ से ही बनी, कट की काट काट के बनाई गई। पत्थर पर ही पूरा काट काट के बनाया गया। क्या महाभारत है? एपिसोड फ्रॉम महाभारत। अच्छा, ये पूरा महाभारत के जो दृश्य है ना, वो इस पे उकेरे गए हैं पत्थर को काट के। इसमें लिखा हुआ है बीच में, ये देखो, एपिसोड फ्रॉम महाभारत। ये देखिए, ऐसे पूरा चौकोर पत्थर ऊपर थे, फिर ऐसे कटिंग की गई, फिर ऐसे नीचे लाया गया, फिर ये सामने गुफाएं बनाई गई। ये देखिए, ये एलोरा की गुफाएं, और पीछे एक्चुअल ओरिजिनल ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ की श्रृंखला। ये देखिए, ये इधर मूर्तियां उकेरी गई हैं हाथी, क्योंकि पत्थर कमजोर है इसलिए सब खंडित हो गए। पुनः देखिए, ये ऊपर का नज़ारा, और फिर ऐसे नीचे आएंगे धीरे 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 धीरे, तो नीचे सामने ये एलोरा की गुफाएं। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे पत्थर, ये हम लोग पत्थर के नीचे ही खड़े, जैसे गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान ने बचाया था, उंगली पे खड़ा किया था, ऐसे ही सोचिए। ये बहुत जोरदार है, मैन क्यूब्स कैलाश 16 नंबर क्यूब्स, 16 नंबर गुफा है, कैलाश गुफा है, ये मेन गुफा है। ये देखिए, वाओ, ये देखिए, ये मैं दिखाना चाह रहा था। ये देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऊपर पहाड़ के पत्थर के, देखो वो पेड़ दिख रहे हैं, का गेट है। आज हम गुफा में अंदर घुस रहे हैं, ऐसे घुसने के बाद ऐसे गुफाएं हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए अंदर ऐसी गुफाएं हैं, बस मंदिर, ये देखो अंदर जाने पर ऐसी गुफाएं एकदम, ये देखिए, हमारे सागर अंदर घुस के देखना चाह रहे हैं। जाइए जाइए, टॉर्च चालू करो, धीरे धीरे ऊपर से बचा के। हाँ, ये देखो लोग अंदर गए, एंड है, देखिए हम कैलाश गुफा के बाहर आ गए, शंकर जी के दर्शन हो गए, सामने नंदी बाबा बैठे हुए। चलो सागर, अंदर दर्शन।
जय हो भोले बाबा की जय। ये देखिए गुफा के अंदर ही शंकर जी को बनाया गया। ये कैलाश गुफा है, 16 नंबर गुफा, इसी के अंदर ये महादेव राज्य हुए। कैलाश चढ़े हुए हैं, ऐसे पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं। ये नीचे का नज़ारा, ऐसे लोग घुसते हैं, एंट्री होती है। ये देखिए ये गुफाएं आपको दिख रही हैं, ये सामने का दृश्य है। देखिए क्या खूबसूरत व्यू आता है यहाँ बाहर का। फर्स्ट क्लास नज़ारा, सुंदर नज़ारा ये पत्थरों की गुफाओं का, बहुत आनंद आएगा। देखिए आप लोग ये देखिए, इनके हाथ में जो चीज़ है और इनके हाथ के हाथ में जो चीज़ है, ये देखिए पुराने लक्ष्मी गणेश, ये बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी, और ये हनुमान जी अपने, बोल हनुमान जी महाराज की जय। और ये सीताराम जी महाराज। तो अगर कोई सिक्कों के शौकीन हो तो यहाँ उस जमाने के जब अदरनी चौवन्नी और वो ढेला पैसा चलता था वो भी मिल जाएगा। सामने गुफा नंबर 15, वे टू 15, गुफा नंबर 15 सामने। देखिए अब हम गुफा नंबर 14 के सामने आ गए। ये देखिए 14, देखो अब हम वहां से चले 16, फिर 15, फिर 14, अब 13 पे आ गए। ये देखिए 13 नंबर। देखिए अब हम गुफा नंबर 12 के सामने आ गए। ये देखिए 12 नंबर गुफा है। ये देखिए गुफा नंबर 12 सामने, 12 नंबर गुफा। ये नजारा ऊपर का, अब आगे चलते हैं। देखो मैं अब गुफा नंबर 11 के सामने आ गया हूँ। थोड़ा चलते चलते प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ। अब 11 के अंदर का मैं नजारा दिखाता हूँ। ये गुफा नंबर 11 में प्रवेश कर रहा हूँ। ये 11 और 10 नंबर जो गुफा है ना, ये जैनों का मुख्य गुफा है, इसलिए इसके लिए फेमस है 10 और 11 गुफा। ये बुद्ध भगवान की प्रतिमा है इसमें। गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा आपको सामने दिखेगी। ये 11 नंबर गुफा में है, तो बगल में ये देखिए थोड़ा सा अंदर आके भी थोड़ा जा सकते हो। खंडित वो है ना, तो खंडित में जूता पहन के जा सकते हो आप, और नहीं जाना तो ऐसे भी जा सकते हो। ये देखिए हमारे सागर अंदर प्रवेश कर गए, प्रणाम करेंगे। ये वाह कराते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट गुफा के और दर्शन कराते हैं, 10 नंबर जो यहाँ की मेन गुफा है। ये देखिए सामने का कुछ नजारा ही अलग है, यहाँ झरना बह रहा है। ये देखिए हम लोग 10 नंबर पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। ये गुफा नंबर 10 है मित्रों, ये 10 नंबर, 10 नंबर में जाएंगे हम लोग, दर्शन करेंगे और इसके बाद एक झरने का और दृश्य दिखाएंगे। 10 नंबर गुफा की मुख्य खासियत यह है कि बुद्ध गुफाओं में एकमात्र 2 मंजिला चैत्र विहार की यह गुफा। ये देखिए
ये नजारा है 10 नंबर गुफा स्पेशल। नहीं बिल्कुल मी काय म्हणतो की मी ताजमध्ये थांबला, ताजमध्ये बाहेर पडला मेन गेट वरून त्या फाटकात ना की उजवीकडे वळला सर, तोच रस्ता घ्यायचा। काढून टाक ये स्पेशल, क्या कलाकृति है, क्या नजारा है। बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध ये देखिए ऐसा रोशनी आ रही है ऊपर, वो एक दरवाजा है। ये देखिए इस रोशनी की वजह से ये जो ऊपर का डिजाइन है एकदम सिल्वर नुमा चमकता है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, अब मैं जरा उल्टा घूमता हूँ फिर आपको ऐसा घुमाता हूँ। ये इसीलिए ये देखिए ऐसी कलाकृति दिख रही है। ये देखिए ये सामने बुद्ध भगवान, ये सागर है, ये देखिए वाह ऊपर की रोशनी की वजह से ये ऐसा दृश्य। दस नंबर गुफा से हम लोग बाहर आ गए हैं। यहाँ एक झरना बहुत खूबसूरत बह रहा है, उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और दिखाता हूँ यहाँ का अंतिम नज़ारा आप लोगों को। यम आप 10 से 9 पे आ गए, 9 से 8 पे आ गए, ये 8 नंबर गुफा है। ये देखिए फिर ये 7 नंबर गुफा है और 7 के बाहर एक झरना बह रहा है। ये खूबसूरत झरने का नजारा, ये देखिए झरना झर रहा है। झरने को पुनः मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ये झरना ऐसा बह रहा है, देखिए क्या खूबसूरत नजारा। ये यहाँ जाके भर जाता है पानी, फिर कहाँ बह रहा है ये आगे चला जाता है। और ये अंतिम गुफाएं हैं, ये देखिए सामने हमने आपको पूरी गुफाएं दिखाई फाइनल। अब हम लोग वापसी की यात्रा पे चालू। ये देखो हम लोग एग्जिट हो गए, बाहर आ गए।